सीतापुर के एक लाल ने यूजीसी नीट 2024 की परीक्षा में सफलता का ऐसा डंका बजाया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल एंट्रेंस नीट परीक्षा में सीतापुर के पिसावा ब्लॉक इलाके के कुतुब नगर कस्बा निवासी अजय प्रताप सिंह के बेटे आदित्य सिंह चौहान ने पूरे देश में 22,000वीं रैंक अर्जित कर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। आदित्य सिंह चौहान ने नीट परीक्षा में 720 में से 655 अंक अर्जित कर MBBS चयनित हुए हैं, जिससे कस्बा व क्षेत्र में खुशी की लहर है। आदित्य सिंह चौहान को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। आदित्य सिंह चौहान के MBBS में चयनित होने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बताते चले कि आदित्य सिंह चौहान के पिता अजय प्रताप सिंह लखीमपुर खीरी जिले में ठेकेदार हैं, जबकि दादा रवि प्रकाश सिंह लखीमपुर खीरी जिले के CMO पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। होनहार आदित्य सिंह चौहान ने अपनी सफलता के बारे में बताते हुए कहा कि वह अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, परिजनों व गुरुजनों को देते हैं। अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को सफलता के टिप्स देते हुए आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, पिछले साल के पेपर सॉल्व करें और अपनी गलतियों से सीखें, सफलता जरूर मिलेगी। आदित्य सिंह चौहान ने लखनऊ की एक निजी कोचिंग से तैयारी कर और सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हुए यह सफलता अर्जित की है। नीट परीक्षा में चयनित होने के बाद आदित्य सिंह चौहान ने क्या कहा, आइए उसे भी सुनिए। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने बाबा दादी, माता पिता एवं परिवार के सभी सदस्यों को और गुरुजनों को देना चाहूँगा। अन्य बच्चों को क्या संदेश देंगे? अन्य बच्चे जो 2025 में नीट की परीक्षा देने वाले हैं, उनको मेरा यही संदेश होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाएं, मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं और उनमें जो भी गलतियाँ होती हैं उन गलतियों से सीखें। कितने घंटे आप पढ़ते थे? मेरी सेल्फ स्टडी लगभग 6 से 7 या 8 घंटे की होती थी और बाकी का समय मैं अपना कोचिंग में देता था। चलिए आदित्य जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।